पटना के गांधी मैदान में आपको बता दें नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया गया है। और इस अवसर पर जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत ही जज्बे में और बहुत ही दहाड़े हैं। उन्होंने कहा है कि आपको कैसी सरकार चाहिए। जी हाँ, उन्होंने सभी से पूछा है कि आपको नौकरी देने वाली सरकार चाहिए या हिंदू मुस्लिम को अलग अलग सूबों में बांटने वाली सरकार चाहिए। आपको बता दें क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, आप सुने। क्या नौकरी वाली, जोर से बोलिए, नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप सब लोग जो है, आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, और आपने नौकरी के नाम पर जो है आप लोगों ने वोट दिया था, और इस पे हम लोग जो है पूरी निष्ठा से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, आप लोगों के धंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। लगभग 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करना है। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। तो माय बेस्ट विशेस टू यू दैट यू ऑल विल बी गिविंग योर 100% एंड शो द पीपल हु हैव बीन क्रिटिसाइजिंग यू। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।